बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में चंडीगढ़ युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक आरोपी नाबालिग है। वहीं एसपी के मुताबिक पुलिस इस मामले की उचित कार्रवाई कर रही है। आपको पता है कि एक गैंगरेप का मुकदमा जो है पुलिस थाना हुआ था, तो उसमें क्योंकि सभी लोग अरेस्ट हो गए और हमारी कार्रवाई जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो आपके माध्यम से पूरे फैक्ट्स जो है पब्लिक करना चाह रही हूँ। इसमें जो है 6 फरवरी को हमें पुलिस थाना हनुमाजरा चंडीगढ़ वहाँ से एक 0 FIR 6 तारीख को मामले दर्ज हुई थी, 376B और 506 IPC जो कि गैंगरेप की धारा है। ये 6 फरवरी को ही पुलिस थाना सुंदरनगर में एस 0 FIR ट्रांसफर की गई थी टू मेल, तो इसको हमने उसी दिन उसी समय जो है FIR नंबर 38/21 पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में 376B 506 IPC में यह दर्ज हुआ था। इसके बाद हम जो पीड़िता हैं उनके संपर्क में हम लोग थे और हमने उनसे आग्रह किया था कि वो हमारे सुंदरनगर में आएँ, क्योंकि मौका सुंदरनगर का है और स्पॉट पूरा सुंदरनगर में घटना घटी है, तो कि वो जाँच में शामिल हो ताकि हम आगे फर्दर इसमें प्रोसीड करें। तो पीड़िता ने अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 दिन तक जो है इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ही क्योंकि जो होटल का काम मिल चुका था तो वहाँ का वीडियो फुटेज जो है हमने पहले ही कब्जे में ले लिया था, और उससे जो गाड़ी क्राइम में यूज हुई है उसकी जानकारी भी हम अपने तौर पर जुटाना हमने स्टार्ट कर दिया। 10 फरवरी को पीड़िता जो है वो सुंदरनगर आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल हुई, तो उनकी निशानदेही पे जो होटल है और जो रूम है वो जो स्पॉट्स हमने क्राइम के बताए गए थे वहाँ पर उनकी निशानदेही पे पीड़िता के साथ रहे थे और जो भी साक्ष्य जो भी एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट होने थे वो किए थे, साथ में वहाँ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और ये सब जो पुलिस की कार्य रहते हैं उनको हमने किया था, और वहाँ का स्पॉट मैप और अन्य चीज़ें जैसे कि बेडशीट और इस तरह के एविडेंसेज उनको सीज किया गया है। साथ ही जो है क्योंकि FIR में कुल 8 लोगों के नाम दर्ज किए गए, इन 8 लोगों के FIR में सिर्फ नाम ही थे, उनके एड्रेसेज और ये सब वेरिफिकेशन हमने पीड़िता से जब हमने छानबीन की पूछताछ की तो उनसे पता चले, तो 10 तारीख को ही जो है 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था और उनको फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग के लिए की जा रही है। एक लड़का जो इसमें इन्वॉल्व है वो माइनर है, इसलिए उसको जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई बनती है वो इसमें की गई। उसके बाद जो 2 लोग बचे थे उनको भी पुलिस जो है उनको अरेस्ट करने के लिए प्रयास कर रही थी, तो कल रात देर रात जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है। साथ में जो गाड़ी है ट्रेलर उसको भी जब्त किया गया और वो एक्यूज्ड के फादर के नाम पर अलॉटेड है वो गाड़ी जो है, तो उसको कब्जे में लेके पुलिस अपनी कार्रवाई आगे कर रही है। इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि पीड़िता का जो मेडिकल है वो चंडीगढ़ में करवाया गया था, साथ में 164 स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के पास रहता है वो स्टेटमेंट भी चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ में करवाया था, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं और वो फाइल का पार्ट है, और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि कुछ वीडियोस या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की भी इसमें FIR में जिक्र है, तो उसके लिए फ़ोन जो है कब्जे में लिए गए हैं, उनको हम एफिसर भी भेजेंगे और डेटा रिक्रिएट करने का प्रोसेस उसमें स्टार्ट करेंगे। तो हाल फिलहाल एक केस जो है पूरी तरह से हम इसको इन्वेस्टिगेटिव मानेंगे क्योंकि सभी 8 के 8 आरोपी इसमें आइडेंटिफाई करके और उनको अरेस्ट किया गया है, लीगल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया गया है, और साथ में जो गाड़ी और फोन और वीडियो CCTV फुटेज जो होटल से हमें रिक्रीट करना था वो भी हम रिक्रीट कर चुके हैं, तो इसमें फर्दर एफिशन से जब रिजल्ट आएगा वो भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो पीड़िता के हैं वो भी साथ में हमारे पास मौजूद है, वो भी केस इसके।